जय हिंद दोस्तों, मेरे हाथ में दो अलग अलग मॉडल शूज है। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में है ये है एडिडास SL 20.2। ये पुराना वर्शन है और ये लेटेस्ट वर्शन है SL 20 का, एडिडास SL 20.3। तो दोस्तों ये दो शूज का मैं थोड़ा सा कंपैरिजन और रिव्यू बताना चाहता हूँ। ये जो पुराना मॉडल है SL 20.2, ये बहुत ही मेरा मुझे यूज करके अभी 1.5 साल हुआ है। मैं इसको अभी भी यूज करता हूँ। इसका आप आउटसोल वगैरह देख सकते हैं, अभी भी इंटैक्ट है और 5-6 महीने इसको यूज कर सकता हूँ, रफ एंड टफ इजी वर्कआउट के लिए वगैरह भी। अपर भी पूरा इंटैक्ट है, कहीं से भी फटा नहीं है। अपर इसका अपर सोल भी बिल्कुल इंटैक्ट है, सोल थोड़ा सा घिसा हुआ है क्योंकि ज्यादा माइलेज रनिंग करके सोल घिसा है, लेकिन ओवरऑल शूज अभी भी इसको मैं 5-6 महीने यूज कर सकता हूँ। तो टोटल 1.5 से 2 साल इस शूज को मैं यूज कर सकता हूँ। तो आते हैं नेक्स्ट, इसका रिव्यू मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अच्छा शूज है ट्रेनिंग के लिए, मैराथन ट्रेनिंग के लिए, पेस रनिंग के लिए भी अच्छा है। आते हैं लेटेस्ट वर्शन पे SL 20.3। तो डिफरेंस क्या है, इसका जो जो स्टैक हाइट है इसका हील का थोड़ा कम है पुराने वर्शन के हिसाब से, थोड़ा सा फास्ट है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक ही है, इसका जो सोल भी अच्छा ही है, सेम उस कॉन्टिनेंटल रबर का आउटसोल है। आउटसोल में भी कोई दिक्कत नहीं है, आउटसोल पुराने जैसा ही है, अच्छा है, ड्यूरेबल है आउटसोल, कॉन्टिनेंटल रबर का आउटसोल है। इसमें प्रॉब्लम जो लेटेस्ट वर्शन है एडिडास SL 20.2, जो लेटेस्ट वर्शन है इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसका जो अपर मैश है क्वालिटी बहुत ही डाउन है। अभी से 2 महीना भी नहीं हुआ है, अभी से थोड़ा थोड़ा फटने लग गया है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ने मंगाया है, मेरे कुछ एथलीट्स ने भी मंगाया है, उनका भी अपर सोल जो है, जो अपर मैश है वो थोड़ा थोड़ा फटने लग गया है। तो इसका जो अपर मैश क्वालिटी के अलावा ओवरऑल अच्छा शूज है, लेकिन पहले के मुकाबले जो SL 20.2 था उसके मुकाबले में क्वालिटी में थोड़ा ये डाउन है, जो लेटेस्ट वर्शन है SL 20.3। तो पेस रनिंग के लिए, स्पीड वर्कआउट के लिए अच्छा है। अगर आप ज्यादा एडवांस लेवल के रनर नहीं हैं तो आप इसमें रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है SL 20.2 के कंपैरिजन में। 6 से 8 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपका ये अपर मैश थोड़ा बहुत फटने लग जाएगा, तो कुछ आपको छोटा मोटा रिपेयर करके इसको काम चलाना पड़ेगा। तो ये है एडिडास SL 20.3 का रिव्यू SL 20.2 के कंपैरिजन में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।